मैंने इसके लिए हाई चेयर नहीं खरीदी। मैं मुझे ऐसा पर्सन लगता है कि हाई चेयर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। देखो ये अपना मुंह कैसे खोल रहा है खाने के, जैसे चम्मच आ रही है बड़े। हाँ। Hey guys, good morning, और कैसे हैं आप सभी लोग। ये है हमारा वर्धान। वर्धान से हाय। आई नो कि हम बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं आज। एक्चुअली बीच में बहुत ज़्यादा मैं बिजी हो गई थी, इसका अन्नप्राशन था और उसकी तैयारियाँ मुझे अकेली ही करनी थी, तो थोड़ा थोड़ा तो बिजी हो ही जाते हैं अगर आप किसी बेबी के साथ होते हैं। दूसरा अब इसका हाफ बर्थडे भी आने वाला, तो चलो कुछ बात भी कर लेते हैं। टाइम तो अभी हो रहा है मॉर्निंग 10:45 का। आज मैं थोड़ा देर तक सोई हूँ। रीज़न ये था कि आज जैसे मॉर्निंग में जैसे इनको दबंग और आ रहे थे, मैं घुमाने गई और इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि हम तीनों भीग गए। बट ऐसा नहीं है कि दबंग आ रहा बारिश में भीग नहीं सकते, उनको वैसे बहुत मज़ा आता है। तो भीगते भीगते मैं उनको घुमा के ले भी आई, मैं खुद भी भीग गई थी। तो ऑब्वियसली बात है, भीगने के बाद सबको नींद आती है, तो थोड़ा मैं चेंज वेंज करके, नहा तो मैं ऑलरेडी चुकी हूँ, तो चेंज वेंज करके फटाफट मैं जो है थोड़ा सा मैंने एक नैप ले लिया इसके साथ, बाबू के साथ अपने। और अब मैं चाय पीने जा रही हूँ, अब अपनी फेवरेट चाय जो मैंने छोड़ दी थी गर्मियों में, और अभी दोबारा से मेरी ज़िंदगी में वापस आ गया। जैसे जैसे ठंड आती रहेगी वैसे वैसे मेरी चाय की कंजप्शन बढ़ जाएगी। चलो चाय रेडी हो गई है, चाय हम तो पीने जा रहे हैं। ये चाय तो मैं तो वैसे ही बाल्टी भर के चाय पीती हूँ। आई नो थोड़ा कंजप्शन जैसी ख़राब होती है, लेकिन कोई नहीं, आज चलता है, मौसम ऐसा हो रखा है, नींद आती रहती है। गाइस बज गए हैं दोपहर की 2:30। मैं तब से तो वैसे अपने बेबी के साथ खेल ही रही थी, वो थोड़ा सोया भी, इसे फीडिंग भी किया। अब आपको पता है वो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो मैं अब उसको जो है सॉलिड मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मैंने उसके लिए बनाया है खिचड़ी विद मिक्स वेजिटेबल्स, जिसमें मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं जो कि बाद में उसको फाइन पेस्ट बना के मैं उसको खिलाऊंगी। अगर आपको पता करना हो कि मैं उसे क्या खिला रही हूँ और मैंने क्या स्टार्ट किया, उसे अच्छा लग भी रहा है नहीं लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, तो मैं आपको अपनी रेसिपी ज़रूर बताऊँगी। आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। अभी तो ये जस्ट एक खिचड़ी है, आप समझ ही गए होंगे क्या चीज़ है ये। अभी मैं इसको ब्लेंड करके प्यूरी बना दूँगी और देखते हैं ये जो रेसिपी है पास होगी या फेल। पिछले 2 दिन से लगातार वर्धान पे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ मैं अन्नप्राशन के बाद से, और जिसको मैंने जो भी बना के खिलाया है वो सारा होममेड है और उसको पसंद भी आया है। और मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि इसको कोई पॉटी में इशू नहीं आया, इसको कोई सूसु में कोई इशू नहीं आया, इसने बहुत प्यार से खाया है, बहुत प्यार से सोया भी है। तो हाँ, मैं डेफिनेटली यहाँ पर रेसिपीज़ अपनी शेयर करूँगी। अभी जो मैंने बनाया है खिचड़ी, अभी पहले मैं इसको खिलाऊंगी, अगर उसको पास करता है तो, अगर आपको पसंद आया तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं वो आपको रेसिपी बताऊं या नहीं बताऊं। प्योरी में बना के ले आई हूँ, यू कैन सी, बहुत छोटी वाली कटोरी जो पूजा के टाइम भी यूज़ नहीं होती, वो वाली कटोरी है ये। और अब मैं इसको वरदान को दूँगी खाने के लिए, देखते उसको पसंद आता है या नहीं आता है ना। यस बेबी। तो गाइज अब वरदान को भी मैंने गोद में बिठा लिया है अपनी। ये चीज़ याद रखना कि जब बेबी छोटे होते हैं तो उनको अगर आप खाना खिलाओगे तो बहुत ज़्यादा मेस होता है, तो पेशेंस रखना है, कुछ भी आपको फोर्सफुली नहीं खिलाना उनको। आजकल वरदान तो मुझको खाते हुए देखता है ना, तो हमेशा मुँह उसका हमेशा खुला ही रहता है कि मैं इसको कैसे खिला दूँ। तो प्राइमरी सोर्स अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग ही है, ऐसा नहीं है कि मैंने अगर इसको सॉलिड स्टार्ट किया तो ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दिया। ब्रेस्ट फीडिंग हमेशा प्राइमरी ही रहेगा। ठीक है, वर्धू स्पून भी देख लो गाइस। अभी मैंने कुछ नहीं लिया, ना ही मैंने इसके लिए कोई हाई चेयर ली है, मैं सिंपली जो हमारा जो पुराना तरीका होता है बच्चों को खाना खिलाने का, मैं वही ट्राई कर रही हूँ। ओके, ऐसे झटके मारा गिरा ही देगा अभी हाथ पे। वर्धू ओपन योर माउथ। इसका फेस देखना यार, गाइस फेस इसमें आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा। वर्धू डिड यू लाइक दैट? अभी वरदान जो है अभी इसको सपोर्ट चाहिए, ये पूरा प्रॉपर बैठ नहीं सकता,
तो आई वॉन्टेड टू स्टार्ट, मैं बेबी लेड वीनिंग स्टार्ट करना चाह रही थी कि मैं सीधा उसको फिंगर फूड ही सीधा ऑफर कर दूँ, लेकिन ये अभी नहीं बैठ पाता बिना सपोर्ट के। तो जब ये बैठना शुरू कर देगा फ्रॉम 7 मंथ, तो फिर मैं इसको सारा का सारा फिंगर फूड ही ऑफर करूँगी। और इसको ये पसंद आया है। You liked it? मैंने कुछ नहीं लिया, ना ही मैंने कोई सिलिकॉन बिब लिया इसके लिए, नथिंग, कुछ नहीं। बस ये दो दिन जो मैंने ट्राई किया था, इसके कपड़े आई थिंक मैंने 4 बार बदले हैं, क्योंकि मैं बार बार कुछ टेस्ट नहीं करवा रही थी, लेकिन अगर मैं थोड़ा बहुत भी खिला रही थी, वो सेम आप कम भी बनाओगे वो ज़्यादा ही बनता है। अब चुटकी भर तो हम बना नहीं सकते, लेकिन वो ज़्यादा ही होता है। तो आई ट्राइड कि इसको मैं 1 टेबल स्पून के बराबर खिलाऊं। और अभी जो आप मैक्सिमम 6 महीने के बच्चे को दे सकते हो, वो है मैक्सिमम 2 टेबल स्पून खाना। तो अभी प्योरी फॉर्म में है, तो मैं इसको मैक्स 3 टेबल स्पून भी देती हूँ, उसके बाद मैं ज़बरदस्ती नहीं करती। देखो ये अपना मुंह कैसे खोल रहा है खाने के लिए, जैसे चम्मच आ रही है बड़े। इसको पसंद आया। जब इसको पसंद आएगा या जब इसका वेट बढ़ जाएगा, ये खुद ही मुझे मना कर देगा मुझे मत खिलाओ। इसको मैं लास्ट ब्रेस्ट फीड जो दिया है, अभी 3 बजने वाले हैं, इसको मैं तकरीबन दिया था शायद 12 बजे के आसपास। उसके बाद से डेफिनेटली से भूख लगी है, और इसके बाद से मैंने अभी से लंच में ये चीज़ दे दी है, और उसके बाद मैं दोबारा ऐसी चीज़ नहीं खिलाने वाली। एक्सेप्ट अगर रात को डिनर होगा इसका, तो मैं थोड़ा बहुत 1 या 2 टेबल स्पून दे दूँगी, उसके अलावा इसका ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्टिन्यू ही रहेगा। कटोरे से पानी पिला रहे हैं, क्योंकि छोटा मेरे पास ग्लास नहीं है, पर छोटा कटोरा है इसलिए पी लेता है। देखो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो मदर नहीं कर सकती, और बच्चे हर चीज़ समझते हैं। तो ये हम जो फालतू जो खर्चे करते हैं ना बच्चों के लिए, अब घर की चीज़ों से भी ना बस टाइम देने की ज़रूरत होती है। सी वो खुद पकड़ रहा है, मैंने तो ज़्यादा पकड़ा भी नहीं है, खुद ही उसने हाथ लगाया उस पर कटोरी पर और पी रहा है। सच में बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बस समझने वाली बात होती है एक मदर के लिए कि बच्चे का रूटीन क्या है और बच्चा क्या चाहता है। हाँ ने खा लिया है अपना पोर्शन। सी मैं इसको कितना लेके आई थी, उसने काफ़ी कम कर दिया है, अब बाकी मैं ही खाऊंगी, ऑब्वियसली फेंकूंगी नहीं उसको। ये भी नहीं खाया क्योंकि, और उसने अपना सारा मुँह मेरे में पोंछ लिया अच्छे से। मम्मा तो टॉवल है ना, मम्मा तो हैंकी हो गया है। यू आर फुल राइट, यू आर फुल। लेट्स गो। अब मैं इसको सीधा नहलाऊंगी। देखो मैंने 2:30 बजे स्टार्ट किया था, और मैंने 2:30 बजे शुरू किया था उसे खिलाना, अब नाउ 3:15। देखा कितना पेशेंस चाहिए बच्चों को खाना खिलाने के लिए। बच्चों को पता रहता है, उसे देखो गंदा हो गया, उसको पसंद नहीं आ रहा, उसे सब क्लीन करना पड़ेगा। ओके ओके लेट्स गो। शाम के 6:30 हो गए हैं, और हमेशा की तरह मैं बाबू को लेकर आई छत पे घुमाने के लिए, बिकॉज शाम के टाइम वरदान को बहुत अच्छा लगता है छत पे घूमना, प्लांट्स को देखना, टंकियों को देखना, चिड़ियों को देखना। अब मैं इसको लेके नीचे तो जाना चाहती हूँ, मैं चली भी 1 या 2 बार गई भी थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर मच्छर नहीं है जितना नीचे है। तो ऊपर तो मैं हर टाइम यहाँ पे दवाई जो है डालती रहती हूँ ताकि मच्छर वगैरह कुछ ना आए, मुझे पता है बेबी है इसीलिए, तो पूरी कोशिश रहती है कि इसको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं 2-3 दिन पहले लेके गई थी नीचे, इतनी उमस और इतने मच्छर थे, मैं डर गई।
इवन मुझे आज भी शाम को ही बाहर निकलना था कुछ सामान खरीदने के लिए, बट उसके पापा का कल ऑफ है तो शायद वो ही कल लेके आ जाएंगे सब सामान। मैंने कहा कि नहीं मत जाओ, मम्मा को देखो और बेटू को देखो, बेटू कहाँ जा रहा है घूमने आज, धोती कुर्ता पहन के? कहीं नहीं, घर में ही रहना है, फोटो क्लिक कर लेती हूँ थोड़ी सी। अब यही टाइम है ना, बच्चा है, बचपन का टाइम है हमारे, नाम तो 90s किड है तो हमारे को तो उस टाइम पे इतना ऑप्शन मिलता नहीं था कि हमारे कोई फोटो क्लिक कर दे, और अब ऑप्शन आ गया, सबके पास फ़ोन अवेलेबल है, तो अभी बचपन का जो टाइम है इनका, अभी फ़ोटो वोटो ले लो, बाद में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। तो जब बड़ा होगा तो अपनी फ़ोटोज़ देखेगा ना कि शुक्र है कि मम्मा ने मेरी फ़ोटोज़ ली थी। उस टाइम तो जब मैंने इसको जब खाना खिला दिया था तो उसके बाद से इसने सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग लिया है और कुछ नहीं खाया, तो अभी मैं इसे कुछ भी नहीं दूंगी अंटिल जब तक ये मांगेगा नहीं कुछ एक्स्ट्रा, और हो सकेगा शायद रात को मैं 8 बजे 1 या 2 टेबल स्पून उसको और थोड़ा सा खिला के ब्रेस्ट फीडिंग करा के सुला दूँगी। देखिए जो मैं काफ़ी सारी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी चीज़ें देखने के बाद मुझे ये चीज़ पता लगी है कि आप जितना पढ़ते हो आप उतना कंफ्यूज होते हो। तो मैंने क्या किया, जैसे कि मैं तो बचपन से सब चीज़ें खा रही थी, तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा, यानी इसकी नानी से, इसकी दादी से पूछा कि हम लोग जब बड़े हुए तो आप लोगों ने क्या खिलाया। तो उस समय तो कोई इतना गाइड नहीं करता था मतलब जब हम छोटे थे कि आप नमक मत खाइए, चीनी मत खाइए, जो भी घर में बनता था वो बच्चों को खिला दिया जाता था। तो उसी वजह से शायद मैं नॉन पिकी ईटर हूँ, मैं सब चीज़ें खाती हूँ, मुझे सारी सब्जियाँ पसंद हैं। तो उसी हिसाब से मेरी मम्मी ने भी मुझे बोला कि बेटा आप ऐसे धीरे धीरे चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस करते जाओ, चीज़ें खिलाते जाओ, अलग अलग चीज़ें खिलाओगे उतना ही टेस्ट इसका डेवलप होगा, उतनी अच्छे से चीज़ें खाएगा ये। तो उसी चीज़ को, थॉट को दिमाग में लेकर मैं चल रही हूँ कि हाँ जी थोड़ा सा सेफ्टी लेकर बिना नमक और बिना चीनी का घर में ही जो सामान सब्जियाँ हैं उसे थोड़ा थोड़ा सा एवरीडे कुछ अलग अलग वैरायटीज़ को मैं टेस्ट कराती जाऊँगी, और ये खुद ही एकदम से वो चीज़ें जो है खाना शुरू कर देगा एक एक करके। और अभी तक मैंने इसे जो भी खिलाया है इसने मुझे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया, या रोया नहीं है, फंसी नहीं हुआ कि मुझे चीज़ नहीं खानी है। हाँ, लेकिन फोर्स फीडिंग मैं नहीं करती हूँ, अगर इसने खाया है, अगर मांगता है एक्स्ट्रा तो मैं दे देती हूँ, अदरवाइज मैं छोड़ देती हूँ। ये कभी कभार मेरा खुद ही हाथ पकड़ना शुरू कर देता है कि मुझे खाना है, और जब इसे नहीं खाना होगा तो एकदम से वो अपना फेस पीछे कर लेता है। तो इतना मुश्किल नहीं है बच्चों की लैंग्वेज को समझना, मॉम्स के लिए स्पेशली थोड़ा टाइम निकालने की ही रिक्वायरमेंट है और कुछ नहीं। एक मदर ही उसके बच्चे के लिए पहली गुरु होती है, तो बच्चा वही सीखता है जो मदर करती है। जब मैं इसे खाना खिला रही थी तब उसके पापा वहाँ पे खाना खा रहे थे। मैं जब भी खाना खाती हूँ मैं इसके साथ बैठ के खाना खाती हूँ, मुझे देखता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है। इवन अब मैं इसको हर टाइम तो खाना नहीं देती, लेकिन जब भी मैं खाने बैठती हूँ ना तो ये मुझे साइन देता है कि इसे भी खिलाओ। तो देख लीजिए आप, अभी इसको 6 महीने कल पूरे होंगे, यानी 20 तारीख को ये पूरा हो जाएगा। उससे पहले से 5 महीने के बाद से ही शुरू हो गया इस चीज़ करना, खाने में इंटरेस्ट दिखा रहा है, खाने के साथ अपने एक रिलेशन बना रहा है। तो अभी मैंने इसके लिए हाई चेयर नहीं खरीदी, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हाई चेयर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि 7 से 8 हज़ार 9 हज़ार तक की आती है हाई चेयर। अगर मैंने हाई चेयर ले भी ली और मैंने अपने बेबी को उसे बिठा भी, तो भी मुझे वहाँ पे इसको ऑब्जर्व यानी देखते रहना होगा, क्योंकि बच्चे जो हैं 6 महीने के होने के बाद बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, हिलते हैं, डूलते हैं, झूलते हैं। तो आप कितना भी सपोर्ट दे दो आपको फिर भी वहाँ बच्चे को देखना ही होगा कि बच्चा ठीक से खा रहा है या नहीं खा रहा है। तो वो भी चीज़ आप अपने साथ बिठा के बिकर, जिनके पास अगर हाई चेयर नहीं है तो वो ही बच्चे खुद हाथ से खाना खाते हैं, वो हमारे मिडिल क्लास फैमिली वाले से सभी लोग जानते होंगे। तो इतना न्यू मॉम्स को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि उसका बच्चा कुछ खाता नहीं है। मॉम्स सिर्फ आपको ये करना है कि आप जिस तरह से बड़े हुए हो ना, बस वही सीख आपको अपने बच्चे को देनी है। लिटरली बता रहे, जब भी बैठना शुरू हो जाएगा ना बिना सपोर्ट के, जब बैठने लग जाएगा, मैं इसको खुद ही सॉलिड फिंगर फूड जो है ऑफर करूँगी, और ये खुद उठा के मुंह में डाल के चबाने की कोशिश करेगा। अभी ये सपोर्ट इसको हल्का चाहिए होता, अगर ये खाने बैठ जाए तो खाने में गिर ही जाएगा। तो मैं इसको हमेशा अपने साथ रखती हूँ, इसको देखती हूँ इसको कैसा लग रहा है खाने में,
और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप प्योरी दे रहे हैं तो गला चोक नहीं होता, सॉलिड देंगे तो गला चोक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे वो अपने आप सीखना शुरू कर देते हैं। ये अभी भी खाता है तो खाना आधा बार फेंकता है क्योंकि अभी जीभ को प्रैक्टिस नहीं है, तो अभी जीभ से प्रैक्टिस कर रहा है खाना को अंदर ढकेलने की, बाहर निकालने की जगह, है ना। चलिए अभी देखते हैं, अब शाम को मैं खाने की तैयारी करूंगी कि मुझे खाने में क्या बनाना है। अभी दबंगारे के बाहर जाने का टाइम हो गया है, अभी ये लोग आएंगे, इनको मैं आज एग और पेडिग्री ही देने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से सावन चल रहा था तो मैंने उनको नॉर्मल खाना दिया है, ज़्यादातर दही कर्ड, कर्ड राइस, खिचड़ी, ये सब। तो आज मैं इनको अंडा और पेडिग्री दे दूँगी। दबंग और आर्या अभी बाहर से घूम कर आ गए हैं, टाइम बज रहा है 8 बजे का और अब बेबी को भी खाना देना है। थोड़ा सा बाहर बहुत ज़्यादा उमस हो रखी थी, अभी जब तक बाहर गई हूँ ये लोग घूम कर आते हैं कि हालत ख़राब हो जाती है। तो अब मैं खाना इनको दे के अपना खाना बनाऊँगी और मुझे आज का अपना ये एपिसोड अभी ख़त्म करना पड़ेगा। अभी टाइम हो रहा है 9:15 का और अभी मुझे खाना भी बनाना है और जो कपड़े हैं वो डबल हो गए हैं क्योंकि अभी मैंने जस्ट अभी खाना खिलाया अपने बेटे को और वो कपड़े मेरे भी गंदे हुए, उसके भी हुए, तो दोबारा से मुझे कपड़े लगाने पड़ेंगे वॉश करने के लिए। और कल जो बाबू का हाफ बर्थडे है मुझे उसकी तैयारी भी करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करती हूँ कि जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।